गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल चाल हैं जी? सबका ठीक ठाक है। यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही हूँ, बाहर का मैं आपको वेदर दिखाती हूँ कि फुल बारिश हो रही है। सुबह सुबह मैं उठी हूँ, तकरीबन अभी 8 बजे का टाइम है और इतनी तेज़ बारिश हो रही है। तेज़ होती है, रुक जाती है, तेज़ होती है, रुक जाती है, लेकिन अब तो स्टिल जो है ना बारिश फुल तेज़ हो रही है। रात से वेदर ख़राब था, तो इतना ख़राब हो जाएगा पता नहीं था। ये देखें ज़रा, फुल बारिश, आप ये कह सकते हैं कि गर्मियों की पहली बारिश है गर्मियाँ आने के बाद, क्योंकि 2-3 दिन हो गए धूप निकल रही है। तो बस यहाँ साथ साथ नाश्ता बन रहा है, पराठे बन रहे हैं, इसके बाद मैं ऑमलेट्स वगैरह बनाऊंगी, चाय रखूंगी, क्योंकि जब बारिश हो ना ऐसा वेदर हो तो लाइट तो फिर पता ही नहीं चलता कैसे भाग जाती है फ़ौरन। तो इस वजह से ना जल्दी जल्दी हम अपना नाश्ता बनाते हैं। अभी वैसे सब सो रहे हैं, शराज भी सो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज है जी मंडे, तो थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा। हाँ, एक बात जो कहना मैं भूल गई हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो थंबनेल से आपको देख के पता चल गया होगा कि हम जो है ना बहुत एक यूज़फुल अच्छी, वैसे तो हम कुरकुरे या ऐसी चीज़ें खाते हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। वो इसलिए क्योंकि हमारे घर में जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा किसी को मसला नहीं, बस फातिमा थोड़ी सी वीक है, आप सबको पता है। फातिमा ने कहना आज फिर आप ही मेरी कर रही है, तो जब भी ये नमाज़ पढ़ती है ना टक टक उठते बैठते इसके घुटनों में से आवाज़ें आती हैं, तो इसलिए जो अम्मी भी परेशान थी, फिर हमने यूट्यूब से निकाला, हमने कहा इसको क्या मसला है, कोई सिरप वगैरह ला के देना, वो भी नहीं है पीती, कहती है नहीं मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं क्यों बच्ची हूँ, मैं क्यों सिरप पीऊँ। तो इसलिए जो है ना हमने फिर देसी टोटका निकाला, तो ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं है, बस 4-5 चीज़ें, वो भी घर की हैं, सौंफ और क्या उसको कहते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, वो अभी जो है ना अभी नहीं, बाद में बताती हूँ। कहाँ कहाँ बारिश हुई है, अभी हमारे पास इतनी बारिश हुई है ना लाहौर में, कल भी हुई है, और वेदर वैसे भी अच्छा है, पंखा जो है ना बंद हो गया, अब दुआ करें 2-3 दिन जो है ना वो अच्छे ही रहे। फातिमा ने कहा था आप बिल्कुल ना बताना, मेरी दोस्तें देखती हैं तो पता नहीं इसको क्या होता है कि मेरी जो है ना इंसल्ट होगी, ऐसी बात इंसल्ट नहीं होती, बस थोड़ी सी आप सबको ही पता है कि कमज़ोर है, स्किन रोज़ा भी नहीं रखवाने की, बेचारी कमज़ोर है, एवं कितने होडी की ना है, हम मेरे सामने बैठ के रोटी खा रही है। और आज हमने आलू बैंगन बनाए, वो मैं को दिखाती हूँ, ये देखें आलू बैंगन एंड साथ में सूखी रोटी, मैंने कहा इनको ज़रा मैं रोस्ट कर लूँ हल्की आँच पे, बिल्कुल जो ना थोड़ा सा इनको ब्राउन कर लेते हैं। ये देखें पॉपकॉर्न जैसी खुशबू आ रही है इसकी, सेम सर्दी नंगी, देखो कोई गल नहीं फेंक ही हो या थोड़ा थोड़ा जो है ना इसकी क्वांटिटी कम रखेंगे, 1 चम्मच रोज़ फातिमा को दूध के साथ दिया करेंगे। अब बच्ची को मसला बन गया तो फिर क्या कह सकते हैं, मसला की मैनू बन गया, तेनू हड्डियाँ ना मसला बन गया, और टाइम ना तू बुढ़ी भाभी बनी हो। बस इसके बाद मैं बादाम और सौंफ जो है ना, मैंने ये खाना है, पता ना मैं कितनी सेंसिटिव, मैंने कुछ हो गया ना तो मम्मा ये जिम्मेदार है, ठीक है ना, ठीक है ना, मुझे कुछ हुआ तो आपकी बड़ी बेटी जिम्मेदार होगी। अच्छा जी जी, अच्छा जी, नहीं हाँ जी बिल्कुल, हम क्यों नहीं जिम्मेदार, मूंछ की पाया है ये डाला है, मुझे क्या लग रहा है वो बस के अंदर गर्म है। मामा इसको थोड़ा सा ब्राउन हो जाए फिर काम करो, चल मैं दाम दे दूंगी, इधर खा ली नहीं पानी ना, गर्म भी लग रही है तुम्हारी वजह से मैं किचन में खड़ी हूँ। इसके बाद अब तुमने मुझे चाय बना के देनी है, असी पैसे दे के भेजूंगी। ये देख लेंगे, इनको भी मैंने रोस्ट कर लिया है, शराब के साथ फुल ऑन बेस्ट चल रही है ये जी। हमने चीज़ों को अच्छे तरीके से जो है ना रोस्ट कर लिया था, देसी घी में भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं और फातिमा बिल्कुल देसी घी जो है ना वो लाइक नहीं करते थे, इस वजह से ना मैंने बिल्कुल सिंपल रोस्ट किए थे। ऑप्शन है, आप करना चाहें तो कर लें, तो बस मशीन की जो है ना आवाज़ बहुत ज़्यादा आनी थी, इसलिए मैंने कहा चलें मैं आज तुम्हें वॉइस ओवर थोड़ा सुना देनी, बस बारी बारी करके ना इसको ग्राइंड किया हमने और बहुत बारीक हमने पीस लिया था, और जो है ना सब चीज़ों को मिक्स करके, तो आप किसी एयरटाइट जार में रख लें, जब भी नाश्ते के बाद जब थोड़ा थोड़ा पेट मतलब होता है ना, खाली खाली भूख फील हो रही होती है शाम को 4 बजे 4:30 और सुबह को वो 11:30-12 बजे का टाइम होता है, लंच का नहीं, जब ब्रंच टाइम हो या शाम को टी टाइम हो, तो आप दूध पत्ती के साथ या 1 कप गर्म दूध के साथ जो है ना 2 चम्मच ले लें। गर्मी अभी स्टार्ट इतनी नहीं हुई, अभी जो है ना मौसम बर्दाश्त में है तो इंसान खा सकता है, तो बस इसलिए जो है ना इस लड़की ने हमें बताया ही लेट कि मुझे ऐसे हो रहा है, वरना मम्मी ने तो ऐसी चीज़ें जो है ना ये सर्दियों में बहुत सूट करती हैं, आपकी सर्दी भी कवर हो जाती है, और जो है ना असी आप ऑब्जर्व कर लिया कि आवाज़ें बहुत आ रही मतलब जब भी नमाज़ पढ़ती है ना तो वो इतनी आवाज़ आती है कि हम यूँ परेशान हो जाते हैं कि क्या हुआ है ऐसे टक टक टक। तो बस जो है ना इनको अच्छे तरीके से पीस लिया और बहुत अच्छे बने थे, अभी मैंने शाम को चेक किए हैं, आपको वॉइस ओवर के दौरान ही देख लिया, मैंने रिव्यू कर दिया है, हल्की सी इसमें मिठास है तो बहुत अच्छी एक जायका जो है ना है। और आप भी बनाएं, ठीक है, घर में बच्चे होते हैं, स्कूल जाते हैं, तो क्या उसको कहते हैं अब डाइट में जो है ना अब नहीं प्रॉपर जो विटामिन बच्चों को चाहिए नहीं मिल पाते कुछ ना खाने की वजह से, तो बस ऐसी चीज़ें जो है ना होनी चाहिए डाइट में इंक्लूड लाजमी,
तो बस सानू भी ख्याल आ गया असं भी बना लिया, तभी मैं इस करके तुम्हें भी तकीद करी तुम भी बनाओ तो कहो। वैसे ये मैंने पहले भी बनाया था, वो इसकी जो है ना मेरी वीडियो एक पड़ी भी हुई है, आप वो भी देख सकते हैं, बहुत अच्छी थी वो। उसमें ये नहीं था, उसमें वो दूसरी चीज़ें थी, वो ड्राई फ्रूट जो थे ना वो और थे। तो ये जो है ना फूल मखाने में हमने बनाया, किसी ने कहा था कि ये जो है ना बोन्स के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ पे जो है ना फातिमा शराज के साथ थोड़ी सी मस्तियाँ करते हुए ऐसे ही बस जो है ना हमारा अल्हम्दुलिल्लाह टाइम अच्छा गुजर जाता है। हमें किसी बाहर दोस्त की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हम तीनों बहन भाई जो है ना घर में ही लगे रहते हैं, कंपनी एक दूसरे को देते हैं। तो थैंक यू सो मच आप सब जो कमेंट्स करते हैं उसके लिए थैंक यू। और जो है ना अल्लाह ताला आप सबको भी ऐसे अपने अपने घरों में खुश रखे। और मैंने इसको ना इसमें कवर कर लिया जी, हमने इसको एयर टाइट कंटेनर में जो है ना डाल दिया है। अब जो है ना इसको जो मतलब खाने का काम है वो इस लड़की के अगर रूटीन के साथ डेली खाएगी तो कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा। और आइसक्रीम वाले ने ना वीडियो मेरी ज़रूर ख़राब कर दी थी, अम्मी नमाज़ पढ़ी है अंदर। और जो है ना बस यहाँ से मैं थोड़ा सा साफ़ सफाई करूँगी, मीठी चीज़ थी मिश्री थी तो मक्खियाँ जो है ना वो आ गई हैं, तो बस अब किचन थोड़ा सा साफ़ करूँगी और सफाई करूँगी और बाकी जो है ना आपके साथ भी शेयर करती हूँ। बनाने लगी फिर मैं अभी चले नमाज़ पढ़ने के लिए चली गई और अम्मी को लगा कि शायद मैंने ना चाय रखी, अम्मी मुझे कह रही है मैंने भी चाय पीनी। मैक्रोनी बनाने लगी हूँ आपके लिए, उसने मुझे कहा है मैंने तुम्हारा काम किया तुम मेरा काम करो, मैंने कहा चलें ठीक है आप भी खा लीजिए। सारी मैंने डाल दी है इसके अंदर जितनी पड़ी हुई, अब हम इसको बॉईल करते हैं उबालने के बाद और फिर बाकी इसका सामान सारा बनाकर तो वो इसके अंदर डाल देंगे, इसको उसके अंदर डाल देंगे ठीक है। मिक्स कर देते हैं थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा ऑयल में डालती हूँ ताकि ये साथ में चिपके ना। चलें जी लाइट हमारी बंद हो गई और हमने जो है ना दो दो फोन्स का सहारा लेके तो अपनी लाइट की जो मुश्किलात थी ना उनको हल करके तो हमने कुकिंग स्टार्ट कर दी है। कुकिंग स्टार्ट कर दी है, कोई भी ये नहीं बोले कि भाई तुझे क्यों काट पाया, हमने कुकिंग ऑयल इसमें डाला, हम घी बहुत ज़्यादा कम यूज़ करते हैं, बहुत कम, जितना कम ऑयल होगा। मैक्रोनी होती है ना वो दिल बहुत ज़्यादा पंजाबी से कहते हैं, मैं पंजाबी से कहते हैं ना दिल बहुत देख कर दी। हाँ जी इसलिए जो ना वो नहीं डालते, ये देखिए लाइट का जुगाड़ ऐसे करते हैं। अब फातिमा जो ना इसका इसकी रेसिपी हमें बताएगी ठीक है शेफ फातिमा। ओके और शेफ की मामा जो है ना वो नमाज पढ़ के चारपाई के ऊपर लेटी हुई हैं, मैंने ऐसे किया था मुझे तो पता ही नहीं कि अम्मी उधर लेटी हैं और पीछे से नजर आ रही हो अम्मी गई नहीं नजर आ रही मामा। फातिमा ने जो है ना दूध और क्रीम जो है ना मिक्स करके इसमें काली मिर्ची और पता नहीं क्या क्या डाला है निकाल दिया, और ये चिकन पड़ा हुआ है। शिमला मिर्च बाद में डालेंगे क्योंकि फिर वो सॉफ्ट जब हो जाती है ना वो अच्छी नहीं लगती ज़्यादा सॉफ्ट, ये कच्ची कच्ची थोड़ी सी अच्छी लगती है। मेरी भैन साइड से खड़ी होकर सोच रही है डिश हो जाए मेकअप बनानी है, ये तो गल्ला ही नहीं है। बत्ती बंद हो गई है हमारी, सारा काम खराब कर दिया जी। सारी चीज़ें इसमें मैंने डाल दी है, चिकन भी डाल दिया, क्रीम जो थी ना क्रीम दूध और उसमें थोड़ी सी काली मिर्च मैंने डाली थी। प्रॉपर रेसिपी देने का टाइम नहीं मिला क्योंकि हमारी लाइट बंद हो गई, और शिमला मिर्च जो पड़ी हुई है ना ये हम लास्ट पर डालेंगे क्योंकि ये सॉफ्ट हो जाती है तो फिर अच्छी नहीं लगती, कच्ची कच्ची ज़रा हमें पसंद है इस वजह से। अभी ये ज़रा जो क्रीम और वो डाला है ना दूध ये अच्छे तरीके से हो जाए फिर हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च और बाद में अपनी ये डाल देंगे मैक्रोनी और पास्ता, टू टाइप्स की हमारे पास थी। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम लाइट का इंतजार किया कि लाइट आए तो मेरा रिव्यू तो उसने कैमरे में लेना था, बाकी सबने खा पी लिए बहुत इसकी तारीफ की, कहती आप ये बाप जो है ना कैमरे के सामने करो तो मैं अब आपके सामने कर लेती हूँ। तारीफ करने का नहीं मैंने कहा, मैंने वैसे खा ली है, मतलब रिव्यू तो बता लेता है कि नहीं लेता, मैंने तुम लोगों से लेती कोई बच्चा है शायद और उसे वो बिल्ला हमारा बैठा हो और बाबा उसे वो दिखा रहे हैं। बहुत मजे की बनी है एज़ यूज़ुअल, जैसे फातिमा कुकिंग करती है अच्छी है लेकिन करती बहुत कम है, तो जो है ना हमारी लाइट तकरीबन 2 घंटे बाद आई है। मैं अपनी जो है ना ये इन्जॉय करूँगी और आपसे मिलेंगे परसों अच्छे से ब्लॉग के साथ। चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा प्यारा सा अपने जैसा खूबसूरत सा कमेंट चले मेरे जैसा रहना चाहिए अपने जैसा कर दें ठीक है। तो ओके जी अल्लाह हाफिज़ बाय बाय अल्लाह हाफिज़ बाय बाय बनी है।